हाय माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज शिवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं, जो कि है कि हम घर पर ही कैसे अपने ओपन पोर्स को क्लोज कर सकते हैं और होम रेमेडी के थ्रू ये कैसे पॉसिबल होगा। सो किस तरह से मैं अपने ओपन पोर्स को क्लोज मैंने किया है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी होगी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकेंगे। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हमें क्यों होती है। सो हमारी स्किन में प्लेंटी पोर्स होते हैं जो हमारी स्किन को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। ज़्यादा देर तक धूप में रहने की वजह से और स्किन एजिंग की वजह से हमारे जो ओपन पोर्स हैं वो लार्ज होने लगते हैं और हमारे चेहरे पे छोटे छोटे से होल्स नज़र आने लगते हैं, जिन्हें हम ओपन पोर्स कहते हैं या फिर लार्ज पोर्स कहते हैं। सो अगर आप इन ओपन पोर्स या लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी बताने वाली हूँ, जो कि 100% आपके फेस पे वर्क करने वाली है। बस आपको उसी तरह से फॉलो करना है जैसे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप इस तरह से फॉलो कर लेते हैं, गारंटीड आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम स्क्रब तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें पाउडर शुगर चाहिए। थोड़ी सी पाउडर शुगर लेंगे और इसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन की ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे, जिससे कि हम अपने चेहरे पर अच्छे से स्क्रब कर पाएँ। अब अपने चेहरे को क्लीन करने के बाद आप इस स्क्रब को अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद आपको जेंटली इसे 5 मिनट तक आप अपने फेस पे आपको स्क्रब करना है और बहुत ही जेंटली कीजिए, सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरे फेस पे अच्छे से आप जब स्क्रब करेंगे तो इससे आपकी जो जितनी भी डर्ट होगी, इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो रिमूव हो जाती हैं, डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं। तो जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो इस स्क्रब को करने से बहुत ही आराम से दूर हो जाएंगे, आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी। मैं ऐसे ही होम रेमेडी आपके लिए लेकर आती हूँ जो बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, नेचुरल होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है जिनका, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये होम रेमेडी शेयर की है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कॉमेंट में बताइएगा आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी और आगे आप मुझसे और किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से आपको स्क्रब करना है 5 मिनट तक, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने है, कितना ग्लोइंग फेस नज़र आ रहा है। अब हम अपना टोनर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में ले रही हूँ, बट आपको अगर ज़्यादा आप बनाना चाहें तो बिल्कुल। अब इसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड कर दिया है थोड़ा सा और एक कॉटन बॉल की हेल्प से इसमें डिप करके अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट अभी के लिए बना करके दिखाया है, आप इसको ज़्यादा बनाकर स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए और आपको रोज़ रात को सोने से पहले इसको अप्लाई करना है। स्क्रब आपको 15 डेज में एक बार करना है, टोनर आपको डेली नाइट में सोने से पहले अप्लाई कर लेना है। तो इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि एक बार इसको अप्लाई कीजिए और इसको ड्राई होने तक का वेट कर लीजिए, जैसे ही हमारी स्किन में ऑब्जर्व होगा दोबारा से आपको इसी कॉटन बॉल से फिर से अप्लाई करना है। तो हमें 2 लेयर इसकी अप्लाई करनी है, जिससे कि हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से दूर हो सके और ओपन पोर्स क्लोज हो जाए। सो ये टोनर बहुत ही बेस्ट है, आपके पास एलोवेरा जेल है, एलोवेरा लीफ है, आप किसी भी तरह से उसका टोनर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लीफ के साथ नहीं बना सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये टोनर अपने नेक पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि नेक और फेस दोनों ही इवन नज़र आएंगे। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से लेयर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वो ड्राई हो गया था जो मैंने पहले अप्लाई किया था। तो टोनर बहुत अच्छा है, नेचुरल टोनर है और मार्केट में बहुत महंगे टोनर आते हैं, आप ये टोनर बनाकर अपने चेहरे पर डेली अप्लाई कर सकते हैं। सो देखा आपने कितनी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है और इससे एक ही बार में आपके जो ओपन पोर्स हैं उनकी प्रॉब्लम दूर होने लगेगी, आपको एक रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट आप देख पाएंगे।
ठीक इसी तरह से आप इसको फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा आपके लिए होम रेमेडी कैसी रही, आपको पसंद आई या नहीं, आगे आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।